गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब मॉर्निंग तो एग्जैक्टली नहीं, आफ्टरनून बोल सकते क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:30 PM और मैं बाहर बस ऐसे ही खड़ी हूँ। तो सोचा क्यों ना यहाँ से ही ब्लॉग शुरू करूँ। तो सबसे पहले मैं जो भी बर्तन वगैरह सब मेरे धोके गई है वो मैं सब जगह पे अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद मैं आज कुकिंग करूँगी। मुझे सबसे पहले लंच बनाना है और लंच में आज मैं बहुत ही सिंपल बट बहुत ही एक टेस्टी एंड यम्मी बंगाली डिश बनाने जा रही हूँ। और उस वो है सिंपल राइस और दाल तो रहेगा ही, मसूर दाल, और बहुत ही यम्मी सा डिश है वो है कैबेज की सब्ज़ी विथ प्रॉन। जी हाँ, प्रॉन्स के साथ मैं कैबेज की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये बंगालीज का बहुत ही एक फेमस और बहुत ही मतलब फेवरेट सा डिश है आप बोल सकते हैं। बट हाँ, वेजिटेरियन जो फ्रेंड्स है वो लोग जस्ट प्रॉन को अगर नहीं ऐड करेंगे तो भी बाकी रेसिपी पूरा सेम ही रहेगा। तो दोनों के लिए एक्चुअली ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया रहेगा। सबसे पहले मैं सारे जो भी वेजिटेबल्स है वो निकाल के एक जगह पे कर रही थी और अभी मैं सबसे पहले तो कैबेज को कट कर लूँगी। और कैबेज कटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ही मतलब लगता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है, बंगाली डिश है तो मस्टर्ड ऑयल से ही बनना चाहिए, नहीं तो उसका मतलब एक बंगाली ऑथेंटिक डिश का टेस्ट नहीं आएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा क्यूब करके आलू भी ऐड करूँगी और आलू को सबसे पहले मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। आलू गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आलू को निकाल लेना है एंड उसके बाद मैं इसी ऑयल में प्रॉन्स को भी फ्राई कर लूँगी। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे प्रॉन्स को ऐड मत कीजिए, बाकी रेसिपी पूरा सेम ही रहेगा। प्रॉन्स को थोड़ा सा सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर से जस्ट थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखा है और अभी प्रॉन्स को थोड़ा फ्राई कर लेना है। प्रॉन्स को कभी भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, तब जाके प्रॉन्स थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो बहुत हल्का सा प्रॉन्स को फ्राई करना है और उसके बाद प्रॉन्स को भी एक अलग बोल में निकाल लेना है। उसके बाद कैबेज का जो सब्ज़ी है उसको अलग से बनाना है। एक्चुअली प्रॉन्स डालने से ही ना कोई भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है और बंगालीज़ का ऐसा है कि अगर मतलब कोई भी सब्ज़ी हम लोग बनाए तो उसमें प्रॉन्स थोड़ा सा ही सही बट ऐड करते हैं तो उसका जो अरोमा है, फ्लेवर है, वो काफ़ी अच्छा होता है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ऐसे एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे प्रॉन्स थोड़ा सा फ्राई हो गया और मैं इसको अलग से निकाल के रख दूंगी। और मैं उसी ऑयल में थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स एंड 1 ड्राई रेड चिली ऐड कर रही हूँ। इसके बाद चॉप्ड अनियन ऐड करना है, अनियन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। अभी जब आनियन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है क्रश्ड जिंजर एंड गार्लिक एंड फाइनली चॉप्ड टोमेटो। अभी एक के बाद एक सब ड्राई स्पाइसेस ऐड करना है। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मतलब कोरिएंडर पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है जब तक मतलब इसका जो मसाले का एक कच्चा फ्लेवर है वो चला ना जाए। अभी आप देख सकते हैं मसाला फ्राई हो गया और मैं यहाँ पे कैबेज ऐड कर दूंगी। और मैं एक साथ पूरा कैबेज एट ए टाइम ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके कैबेज को ऐड करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करती रहूँगी, नहीं तो पूरा कैबेज में मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा। थोड़ा सा कैबेज को मैंने पहले ऐड करके मिक्स कर लिया और अभी मैं बाकी कैबेज को भी ऐड करके अभी मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने बहुत कम सॉल्ट ऐड किया था, तो अभी कैबेज में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ताकि कैबेज अच्छे से बॉयल हो जाए। और अभी इसको ढक के 10-15 मिनट्स जितना कुक करना है।
10 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कैबेज कितना अच्छे से गल गया और अच्छे से कुक भी हो गया। और अभी मैं इसमें सारे जो भी पोटैटो एंड प्रॉन्स को रखा था अलग से फ्राई करके, उसको मैं ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद भी इसको 5 मिनट्स जितना ढक के कुक करना है। और एकदम एंड में जब कैबेज बहुत अच्छे से कुक हो जाए, तब मैं 1 टीस्पून घी एंड 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करके जस्ट अगेन 5 मिनट्स के लिए इसको कवर करके कुक कर लूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने दाल भी बना लिया और कैबेज का सब्जी भी बन गया। लंच में मैंने सिर्फ राइस, दाल और कैबेज की सब्जी बनाई है। आई होप गाइस कि आज का जो ये मेरा सिंपल बट बहुत ही टेस्टी बंगाली स्टाइल एक लंच रेसिपी है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हो सके तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।